हेलो दोस्तों, आज का दिन संडे है, तो संडे के दिन में आप मुझे अगर कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग जानकारी अगर चाहिए, तो मतलब कितना एजुकेशन, क्या करना पड़ता है, कैसे होता है, कैसे मतलब ये होता है, तो फिर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा मुझे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्या होता है क्या होता है। जैसे कि एक तरह से देखिएगा तो जैसे कि अभी लेटेस्ट को लेके चलें तो SSC CGL आ रहा है और SSC GD आ रहा है, जिसका दिसंबर में CGL का है, जनवरी में GD का है। तो आप लोग सोच सकते हैं, ऐसे CGL को का पोस्ट 20,000 प्लस है, मतलब कुछ पोस्ट बढ़ने वाला भी है, और GD का है तो GD का तो 24,000 कुछ पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है। तो फिर आप लोग इस दोनों का तैयारी में लगे रहिएगा। अभी कुछ दिन पहले 9 से 11 को SSC CPO का एग्ज़ाम चल रहा था, वो एग्ज़ाम मतलब 200 मार्क का होता है, 200 मार्क का मतलब चार सेक्शन में डिवाइड रहता है, GK, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। तो जिसमें 200 मार्क का होता है, और वो 200 मार्क का होता है जिसका क्वेश्चन इस बार बहुत ही इजी मतलब पूछा गया था, तो मतलब इजी पूछने के कारण उसका कटअप थोड़ा हाई जाएगा, हाई जाने का उसका कटअप थोड़ा हाई जाने का चांस है। और आप लोग दूसरा में अगर देखें तो फिर दूसरा में अगर आप चाहें तो दूसरा वैकेंसी के बारे में अगर चाहें तो फिर एयरफोर्स का जो चल रहा है, जो एयरफोर्स का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चल रहा है उसको डाल सकते हैं, SSC GD का भी चल रहा है उसको भी आप लोग भर सकते हैं। और जो दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का था उसका मतलब एंसर की भी आ चुका है, उसका एग्ज़ाम तो दिया था लेकिन उसका एंसर की भी आ चुका है, तो फिर आप उसका एंसर की भी देख सकते हैं किस तरह से कैसे। और आप और जैसे कि अभी ITPP का बहुत सारा फॉर्म आया है, आप उसको भी डाल सकते हैं, भर सकते हैं। और किस क्षेत्र में जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और इंडियन कोस्ट गार्ड का भी वैकेंसी नहीं, एडमिट कार्ड आया है, NAVIC DB, NAVIC GD का दोनों आया है, और कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी फॉर्म आया हुआ है, मतलब आया नहीं, उसका एडमिट कार्ड है, जिसका एग्ज़ाम 11 तारीख को मतलब उसका डेट और सिटी दे दिया गया है। और सब कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं लगभग आपको दे चुका हूँ, और अगर कुछ बाकी रह गया तो आप लोग जैसे कि एक तरह से देखें तो अभी अपकमिंग वैकेंसी में आपका क्या क्या आने वाला है। अपकमिंग वैकेंसी में आप देख सकते हैं, देखिए अभी स्पेशल में अगर बोलूँ अपकमिंग वैकेंसी में दो चीज़ आएगा, अभी UPSC CDS आएगा, एपकेट आएगा डिफेंस क्षेत्र में, आर्मी आएगा, और बहुत सारा ये सब तो आते ही रहता है, और उसके बाद CISF हुआ, BSF हुआ, ये सब तो बीच बीच में आते ही रहेगा, अच्छा है। और लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हैं मोटर मैकेनिक हुआ, ये हुआ, ये सब तो लगभग सब तो हो ही चुका है, मतलब सबका वैकेंसी तो अब मैं बता ही चुका हूँ। और अगर कुछ अगर बाकी रह गया हो तो फिर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से होता है क्या होता है, तो फिर आप लोग जिस टाइप से कमेंट कीजिएगा मैं आपको मतलब उतना जल्दी आंसर दे पाऊंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे, मतलब कुछ भी चीज़ का, मतलब डिफेंस क्षेत्र में या कंपनी क्षेत्र में, कुछ भी क्षेत्र में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जिसका आपका आंसर मैं दे पाऊँगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि SSC GD का तैयारी करें बढ़िया से, ठीक ठाक का तैयारी करें, तो आप लोग देखिए SSC GD में उतना टफ क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इतना तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, इसे नॉर्मल में नहीं होगा, क्योंकि सबको ही पढ़ेगा तो फिर आपको तो पढ़ना पड़ेगा ही, तो फिर सबको ही पढ़ेगा कटअप बढ़ाने के लिए, तो फिर आपको तो फिर करना पड़ेगा ही, ठीक ठाक से एग्ज़ाम उग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक ठाक से पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप आराम से SSC GD को क्वालिफाई कर सकते हैं, सब चीज़ ठीक ठाक से देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर बाकी रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। और अपकमिंग वैकेंसी में आपका देखें तो SSC में तो CHSL है, स्टेनोग्राफर का एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसका 17-18 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो उसका हो गया, CHSL हो गया, सब तो लगभग लगभग हो ही चुका है।
और कुछ वैकेंसी तो ऐसे है नहीं लेटेस्ट अपकमिंग, या फिर हाँ एग्ज़ाम तो सीजीएल का बता ही दिया, 1 से 13 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम है, दूसरा तो कुछ है नहीं। और आप दूसरा वैकेंसी में आप क्या देख सकते हैं, जैसे अभी तो कोई दूसरा वैकेंसी मुझे दिख तो नहीं रहा है, अब अगर कोई वैकेंसी मुझे दिखे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा और सब चीज़ का है। और अपकमिंग वैकेंसी में बता दे रहा हूँ, यूपीएससी में देखिएगा तो सीडीएस आएगा और एपकेट आएगा, और 2024 सिलेक्शन आ रहा है तो देखिएगा 2023 में पूरा वैकेंसी का लाइन लग जाएगा, ये बात याद रखिएगा। एक बात भी है, वैकेंसी का पूरा लाइन लगेगा, ये भी आप सोच सकते हैं समझ सकते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। मतलब देखिए कुछ भी चीज़ करना होगा तो एसएससी को टारगेट करना है तो रीजनिंग जीके मैथ, और रीजनिंग जीके मैथ इंग्लिश, या फिर हाँ रीजनिंग जीके मैथ इंग्लिश, और जीडी के लिए हिंदी भी आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज में वो होता है। तो आप लोगों को दिखेगा जो आपका फील्ड सही हो, जिसमें बढ़िया हो, आप उसमें आराम से कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, उस लेवल को पहुँचा सकते हैं, आप आराम से एक सरकारी जॉब ले सकते हैं। और मुझे तो उतना पता नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको कि अगर मान के चलिए आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं ना, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, मुझे एक दोस्त से पता चला कि मतलब ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं तो आप अपना सब्जेक्ट को मैचिंग कर लीजिएगा, जैसे मतलब कोई भी चीज़ को गलती नहीं कीजिएगा, जैसे मैथ ऑनर्स ले रहे हैं तो मैथ के बाद फिजिक्स का कम्बिनेशन बैठता है, ये कम्बिनेशन रखिएगा तो आपको भविष्य में कभी टीचर उचर में अगर मान के चलिए कहीं पर आपका कुछ नहीं होता है तो टीचर में दिक्कत नहीं होगा, मैथ के साथ फिजिक्स रखना बहुत